नरेंद्र मोदी को हराने के लिए भले तेजस्वी यादव और लालू यादव एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा ले। लेकिन उनके सहयोगियों ने कसम खा लिया है कि भाई साहब नरेंद्र मोदी को ही 2024 में प्रधानमंत्री बनाना है तेजस्वी प्रसाद यादव से कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हमको 11 सीट चाहिए कभी खबर आती है कि 12 से कम पर वो नहीं मानेंगे कभी खबर आती है कि कांग्रेस ने आप चालीसों लोकसभा की सीटों पर लोगों को कह दिया है कि धीरे धीरे आप लोग माहौल भापते रहिए कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो तो तैयारी करना शुरू भी कर चुके हैं और इन तमाम खबरों के बीच जब इंडी अलायंस या इंडिया अलायंस की बात हो रही है तब बिहार में ये अलायंस कहीं नहीं दिख रहा है जदयू कहती है कि कांग्रेस को अपने सीट बंटवारे के लिए आरजेडी से बात करना पड़ेगा आरजेडी वाले कहते हैं कि ठीक है भाई साहब बात तो हम करेंगे लेकिन जो भीतर खाने से खबर निकल कर आ रही है वो यही है कि 16 सीट पर आरजेडी लड़ेगी 16 सीट पर जदयू वाले लड़ेंगे और जो 8 सीट बच जाते हैं उसी में से कांग्रेस को और लेफ्ट पार्टियों को बांटा जाएगा इस लिहाज से देखा जाए तो चार सीट ही कांग्रेस को मिलेगा और लेफ्ट की दो पार्टियों को दो दो सीट दे दिया जाएगा और ऐसे में लग नहीं रहा है कि नरेंद्र मोदी को हराने का जो सपना तेजस्वी यादव देखे थे वो पूरा हो पाएगा तेजस्वी यादव का जो पार्टी है तेजस्वी यादव का जो कार्डर वोट है इसमें कोई दो मत नहीं है कि वो उनके साथ खड़ा था और खड़ा है लेकिन आपको यह बात समझना पड़ेगा कि अगर सीट बंटवारे के फॉर्मूले में ही गड़बड़ी हो जाए अगर वो सीट आरजेडी को ना मिले जहां पर वो मजबूत स्थिति में ज्यादा है तो फिर 2019 वाला हाल होगा और 2019 वाला हाल अगर होगा तो उनतालीस सीट अगर मिल जाता है एनडीए को तो समझ जाइए कि जो इंडिया अलायंस का इतना भौकाल बना है यह भौकाल पूरा खत्म हो जाएगा अखिलेश सिंह और मनोज झा यानी कि कांग्रेस के बिहार के सर्वे सर्वा और आरजेडी के एक प्रतिनिधि के बीच में कल बैठक हुई बैठक के बाद अखिलेश सिंह ने कहा कि देखिए बातचीत तो बढ़िया हुई है लेकिन फॉर्मूला अभी तय नहीं हुआ है और ये एक दो बैठकों के बाद तय होगा और इससे आम जनता के बीच में यही मैसेज जा रहा है कि अब तक इंडिया अलायंस के जो नेतृत्व के शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं वो यही नहीं तय कर पा रहे हैं कि कौन सी सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा इधर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बैठक हो गया है कभी भी चुनाव के तारीखों का ऐलान हो सकता है और चुनाव के तारीखों के ऐलान होने में कुछ समय बचा है लेकिन यहां यह तक क्लियर नहीं है कि कौन सी सीट से कौन चुनाव लड़ेगा यह विश्लेषण हम स्पेशली तेजस्वी यादव के लिए कर रहे हैं तेजस्वी यादव के लिए दो का लोकसभा चुनाव एक तरीके से फाइनल एग्जाम है फाइनल एग्जाम के बाद जो अगला 25 है वो छोटा मोटा एग्जाम है क्योंकि अगर 24 के फाइनल एग्जाम में तेजस्वी यादव ने अपने पार्टी को साबित नहीं किया अपने नेतृत्व को साबित नहीं किया तो ये सीधा मैसेज जाएगा कि तेजस्वी यादव जब कुछ संभाल ही नहीं पा रहे हैं तो उन पर भरोसा क्यों किया जाए और इन तमाम बातों के बीच में तेजस्वी यादव का जो युवा तुर्क का छवि है जो एक तरीके से ये छवि गढ़ दिया गया है कि लालू ने तेजस्वी को फ्री हैंड दिया है और तेजस्वी चूकने वाले नहीं है वो छवि पर सीधा ठेस पहुंचेगा और अगर सीधा ठेस पहुंच गया तो समझ जाइए कि पूरा का पूरा खेल ही खराब हो जाएगा है बार-बार ये दावा करते रहे हैं हैं कि कि सब सब कुछ ठीक लेकिन जानते सब लोग है कि अगर सब कुछ ठीक होता तो अब तक सीटों का बंटवारा हो गया होता लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस वाले उन, उन सीटों पर अपना दावा ठोक रहे हैं जहां पर उनका समीकरण मजबूत है और जो उनकी परंपरागत सीट रही है मसलन सीमांचल और मसलन कोसी का जो क्षेत्र है वहां पर कांग्रेस का वोटर है एक तरीके से मुसलमान वोटर आरजेडी भी चाहती है और कांग्रेस वाले भी जानते हैं कि एनडीए को तो मुसलमान वोट देंगे नहीं अब आरजेडी भी इसी रस्सा कस्सी में है कि हमको सीमांचल की सीट चाहिए किशनगंज से पिछली बार चुनाव जीतने वाला एकमात्र सीट था कांग्रेस उसने कांग्रेस ने वो जीता था किशनगंज का सीट और किशनगंज इस बिनाम पर भी दावा कर रहे हैं कांग्रेस वाले कि भाई साहब जब सब लोग लहर में हार गया तब हमारा प्रत्याशी जीता लेकिन मिला जुलाकर जो सच्चाई है वो यही है कि अभी कुछ भी तय नहीं है कोई फॉर्मूला सेट नहीं है किसी के पास इस बात का जवाब नहीं है कि कैसे फॉर्मूला सेट होगा और किसी के पास इस बात का भी जवाब नहीं है कि अगर फॉर्मूला सेट होने में देरी होती है तो क्या एनडीए बाजी मारेगी और ये लोग अपना हार स्वीकार करेंगे मिला जुलाकर स्थिति बहुत नाजुक है नरेंद्र मोदी को हरा पाना इतना भी आसान नहीं है और तेजस्वी यादव का सब कुछ दाव पर लगा हुआ है आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरा नाम प्रशांत है बहुत बहुत धन्यवाद